हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट वन का सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास है शुगर सिरप जिसका वेट है 214.2 ग्राम्स, जिसके अंदर प्रेजेंट है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है मोलाल कंसंट्रेशन और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें एक सॉल्यूशन गिवन है शुगर का, वो सॉल्यूशन है पानी के अंदर, तो इसमें शुगर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। इन दोनों को मिला के, मतलब शुगर और वाटर को मिला के, जो सॉल्यूशन का टोटल वेट है यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो हमें दिया हुआ है 214.2 ग्राम्स। ये पूरे सॉल्यूशन का वेट है। उसके बाद क्वेश्चन में उसने इंडिविजुअली बता दिया कि जो शुगर है हमारे पास, शुगर का वेट है 34.2 ग्राम, दैट इज सोल्यूट। तो आपको गिवन है वेट ऑफ सोल्यूट भी, जो कि है हमारी शुगर, तो उसका वेट भी अपने को गिवन है 34.2 ग्राम। तो आप जब सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ सोलवेंट। तो हमारे पास आ गया वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट है हमारा यहाँ पे पानी, दैट इज वाटर। तो 214.2 माइनस 34.2, 180 ग्राम हमारे पास हमारा वेट ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने रीड आउट किया, उससे जो डेटा मुझे मिला वो ये मिला, सॉल्यूशन का वेट गिवन था, सोल्यूट का वेट गिवन था, सोलवेंट का वेट हमने निकाल लिया। अब ये सारा डेटा हमने यूज करना है दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है मोलाल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये जो मोलाल कंसंट्रेशन बोला गया है, ये बोला गया है मोलैलिटी को। थोड़ा वर्ड्स का प्ले है यहाँ पे, ध्यान से आपको देखना है। मोलाल कंसंट्रेशन जब भी बोला जाता है तो आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। यहीं पे अगर मोलाल की जगह पे मोलर कंसंट्रेशन बोला जाता, देन आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी होती। तो हल्का सा वर्ड्स का डिफरेंस है, अगर मोलाल है तो मोलैलिटी, वो वर्ड आप देख सकते हो मोलैलिटी में मोलाल आ ही रहा है, और अगर मोलैलिटी होता तो मोलैलिटी में मोलर आ रहा है, फिर वो मोलर कंसेंट्रेशन बोल देते। तो इन दो चीज़ों को आपने स्पेशली ध्यान रखना है, क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो आपको सबसे पहले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि शुगर। गिवन वेट है 34.2, मॉलिक्यूलर वेट होता है शुगर का 342, निकाल के आप चेक कर सकते हो। कार्बन का वेट 12 पुट करोगे, ऑक्सीजन का 16 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/10 यानी कि 0.1 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मोलैलिटी जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, वो मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 100/180 यानी कि 10/18। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी 0.55 मोल पर केजी। तो ये हमारे पास हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, मोलाल कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। सेकेंडली जो जब हमें चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो है बेटा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन उन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है शुगर की निकालनी है। शुगर का मतलब हमें सोल्यूट का निकालना है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है X2 विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सोल्यूट के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ऊपर अपने क्वेश्चन में निकाले थे 1/10, और जो हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। गिवन वेट है 180, मॉलिक्यूलर वेट होता है पानी का 18, डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा।
तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी 0.1, 10 प्लस 0.1। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आएगा 0.1 10.1, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी 0.0099। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करने वाली थी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली। अभी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हो। थैंक यू।